पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पुल निर्माण को लेकर क्षेत्र के लोगों ने किया प्रदर्शन। लाइनपाल लोकोशेड पुल संघर्ष समिति के तत्वाधान में महानगरवासियों ने प्रदर्शन के माध्यम से लोकोशेड पुल को जल्द बनाए जाने को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद में पुल न बनने के कारण क्षेत्र के लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में क्षेत्र की जनता ने आज कलेक्टर पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। ये मांग पर इस आशा से प्रशिक्षित है कि शहर की घनी आबादी को मुख्य मार्गों से जोड़ने के एक मास साधन लोकोशेड पुल का जल्द निर्माण कराया जाए। इस संबंध में पूर्व में कई अभियान चलाए पर स्थिति जस की तस है। नतीजा भीषण जाम के चलते रोजाना ही लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चे हो या फिर दफ्तर और काम पर जाने वाले लोग, सभी रोजाना जाम से जंग लड़ते हैं। कितनी ही बार जाम के झाम के चलते गंभीर बीमारियों को सही वक्त पर इलाज नहीं मिल सका। लोकोशेड पुल का विलंबित निर्माण हर दिन किसी न किसी हादसे को दावत देता नजर आता है। अविलंब लोको पुल निर्माण के संबंध में कोई ठोस रणनीति बनाकर जनहित में फैसला लें। जिम्मेदारों तक अपनी बात आंदोलन के रूप में पहुंचाने को प्रार्थी व पीड़ित जनता 3 जून से लोको पुल निर्माण के संबंध में लोकोशेड पुल पर अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना शुरू करेगी। धरने के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति का संपूर्ण दायित्व जिला प्रशासन व रेलवे विभाग का होगा। देखिए, पिछले कम से कम 5 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है, हमारे शहर को अगर मेन रोड से जोड़ने वाली केवल और केवल मुरादाबाद को एक व्यवस्था है, वो है लोकोशेड ब्रिज। उसको 5 साल हो चुके हैं बनते 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 बनते, थक गए हैं मुरादाबाद वासी, मजबूर हो गए हैं यहाँ सड़कों पे उतरने के लिए। आज प्रयास कर रहे हैं कि जो ये 5 साल से पुल निर्माण रुका पड़ा है, जिसे हल्के हल्के, जिसे कहते हैं एक पैसेंजर ट्रेन की तरह चल रहा है, उसे DRM और DM को यहाँ पे हम ज्ञापन दे रहे हैं कि इसे थोड़ा सा तेज करें, जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की गति पकड़े और ये पूर्ण हो सके जल्दी से जल्दी। हम इस समय पहले DM सर को ज्ञापन देने आए हैं, DM सर के बाद फिर हम DRM सर को ज्ञापन देंगे। और हम लोगों का प्रयास यही है, क्योंकि आप अगर खुद भी इसका कवरेज करेंगे, आप देखेंगे दिन में कम से कम 20 मरतबा ऐसा होता है जो हालत खराब हो जाती है। निकलने वाले बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, नौकरी पेशा पे जाने वाले लोग परेशान हैं, एम्बुलेंस है, लोग निरंतर कोई ना कोई घटना ऐसी हो रही है जहाँ पे मृत्यु बेचारे की हो जा रही है, उसे फर्स्ट एड मिल ही नहीं पा रहा है। तो मैं आप लोगों से भी एक इल्तिजा करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को हमारे साथ उठाइए। मुरादाबाद जो शहर है, जो एक तरीके से बिल्कुल नाम का सिटी शहर जो है, स्मार्ट सिटी के नाम पे आ रहा है, वो एक ऐसी दुर्व्यवस्था पे निर्भर कर रहा है कि जिसकी हम कोई, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं दे सकते।